छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय हलबा हलबी आदिवासी समाज के 83वें स्थापना दिवस और प्रतिभा सम्मान समारोह का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया शुभारंभ। विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने करवदा पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। सीएम भूपेश बघेल के पिता अस्पताल में भर्ती, टहलते वक्त गिरने से बाएं पैर में हुआ फ्रैक्चर। पूर्व सीएम रमन सिंह के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने किया पलटवार, कहा रमन सिंह के क्षेत्र में पूछ लीजिए कितना काम हुआ है, सब बता देंगे। AIADMK के पूर्व सांसद वी मैत्रेयन बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की उपस्थिति में बीजेपी में हुए शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा की तैयारी को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 और 11 जून को 4 राज्यों में जनसभा को करेंगे संबोधित, मोदी सरकार की उपलब्धियों को बखान करेंगे। राजनीतिक लाभ के लिए औरंगजेब को जिंदा करने में लगी बीजेपी, संजय राउत बोले कोल्हापुर हिंसा शिंदे सरकार की नाकामी। रायपुर में अपार्टमेंट और कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक, मची अफरा तफरी। गैंगस्टर संजीव जीवा की पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, योगी सरकार के जवाब पर कोर्ट ने कहा छुट्टियों के बाद होगी सुनवाई। देश विदेश की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल रोशनी न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।